अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें माफ कर देना गोपी, हमारी वजह से तुम्हें ये सब कुछ। ऐसी बातें नहीं करते माई। अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया बड़ी कब हो गई। तुम उम्र में शिव से छोटी हो, लेकिन फिर भी जब शिव ने वो शर्त रखी तो तुमने कैसे। पापा को बताने नहीं बताने से क्या होता है भाई। जब हम पापा के साथ नहीं रहते थे तभी तो वो हमारे पापा ही थे ना। अच्छे भैया गुस्से में थे ना, इसलिए ऐसा बोल रहे थे। पर कल जब उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा तब वो खुद कह देंगे हमारे बारे में पापा को बताने के लिए। पर अभी तो हमें उन्हें मनाना है ना माई। हमारी तरह समय से पहले ही बड़ी हो गई। तेरी परवरिश ने इसे तेरी परछाई बनाया बेटा। चले दूध ठंडा हो रहा है। शिव ने जो कुछ भी किया किसी 6 साल के बच्चे के मन की बात तो नहीं हो सकती। हमारा शिव ऐसा नहीं है, जरूर कोई तो है जो शिव के मन में ये कड़वाहट घोल रहा है। आपने अपनी कृष्णा के सामने ये शर्त रखकर ना एकदम सही किया शिव। कुछ गलत नहीं किया आपने, क्योंकि अगर वाकई में आपकी कृष्णा आपसे इतना प्यार करती ना जितना वो कहती है तो आपको उन बुरे लोगों से छुड़वाने के लिए कुछ भी करती। इतना सोचना नहीं पड़ता उन्हें। आपको पता है हमारा दिल बैठा जा रहा था। हमें यकीन नहीं हुआ जब हमने उन्हें बोलते हुए सुना कि वो आपको बचाने के लिए उन लोगों के ट्रक नहीं छोड़ेंगी। हमें ना बहुत अच्छे से पता, वो ना सिर्फ अपनी गोपिका से प्यार करती है। अगर गोपिका किडनैप हुई होती आपकी जगह तो उसके लिए एक ट्रक कैसे 4 ट्रक छोड़ देती। ये क्या घटिया बातें भर रही हो बच्चे के दिमाग में। घटिया, हम घटिया बातें भर रहे हैं? हाँ, और जो तुमने किया क्या वो घटिया नहीं है? एक बार हमारे बच्चे की तरफ देखो, बातें सुनो उसकी। बेचारा कह रहा है कि वहां पे ना सब लोग हंस रहे थे इस पर। कैसा महसूस हुआ होगा इसे जब इसे पता चला होगा कि जो औरत को इसकी माँ कहती है वो इसे बचाने तक नहीं आई, एक ट्रक नहीं छोड़वा पाई उसे बचाने के लिए। कितनी तकलीफ हुई होगी हमारे बच्चे को, कितनी तकलीफ पहुंची होगी उसके दिल को। हम सबको पता है तुमने ये क्यों किया, लेकिन वो बच्चा, उसे नहीं पता, उसे नहीं समझ है। वही तो, बच्चा है वो, नहीं समझता ये सब बातें। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, तुम तो समझती हो ना, फिर क्यों क्यों जहर घोल रही हो हमारे खिलाफ शिव के मन में। हमें लगा था कि शायद तुम सुधर गई हो, तुम बदल गई हो, लेकिन नहीं, तुम कभी नहीं सुधर सकती। सच कहे तो जो वादा हमने तुमसे किया था ना, हम सिर्फ उस वादे के लिए आज चुप हैं। कैसा वादा? बोलो कृष्णा, कैसा वादा? वादा क्या? वादा क्या करोगी बोलो? वरना क्या? ऐसा ही होता है हमारे साथ हमेशा। अरे हम कितनी भी सुधरने की कोशिश कर ले, हम कितने भी बदल जाए, लेकिन तुम सबके लिए ना हमेशा कम पड़ जाता है, हमेशा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारे होने ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम क्यों है, क्यों है, किसके लिए? हमें ना ऐसे नहीं जीना है, बस अब और नहीं, बस बहुत हो गया। हमारी इच्छा से खुद कर अपनी जान दे देंगे, हमें नहीं जीना है, हटो। गौरी, नहीं गौरी, गौरी। हर बार हम इकट्ठे करते रह जाते हैं, लेकिन बस इस बार नहीं। इस बार हम इस काम को अंजाम देकर रहेंगे। इतने चुपते हैं ना सबकी नजरों में, तो बस।
अपनी जान देकर सारा किस्सा ही खत्म कर देंगे हमेशा के लिए। दूर रहो, बस बताना कह रहे हैं इसका कुछ लोगों की नजरों में ना हम बहुत चुप रहे हैं, इसलिए आज अपनी सांसें खत्म कर देंगे हमेशा के लिए। कूद जाएंगे यहाँ से। क्या कर रही है, पगला गई है क्या? नीचे उतर। रुक जाइए, बता यहाँ से कूद जाएंगे अबू। जान दे देंगे आज अब। सही कर रही है ये, बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने। अपनी जान देना चाहती हो ना तो कूदो। ये तुम क्या कह रही हो कृष्णा? बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ जी, दे दो अपनी जान, कूद जाओ। आज हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर कितना दम है, कितनी हिम्मत है। कूदो। कृष्णा क्या कह रही है बेटा? दादी हम बात कर रहे हैं ना, कूदो गौरी। क्या हुआ, डर लग रहा है? नहीं कूदा जा रहा तुमसे? बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक गौरी, बस बंद करो अब। अपने बच्चे को अपने पास रखने के लिए, उसके प्यार को पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं कृष्णा, फिर चाहे हमें अपनी जान ही दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। ऐसा मत करना। नीचे आ जाओ माँ, प्लीज। शिव, ये क्या तरीका है बात करने का? आप भी बुरे हो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मैं भी माँ जा रहे हैं यहाँ से। माँ चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं, चलो। शिव, शिव बेटा हमारी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे आपकी बात। मैं और मेरी माँ बैद लोगों से बात नहीं करते। नहीं माई पापा, अभी शिव भैया गुस्से में है ना,
इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जब उनका गुस्सा ठीक हो जाएगा तब हम खुद उनसे बात करेंगे। क्या बदतमीजी है बेटा ये? शिव, गोपी पे हाथ कैसे उठाया तुमने? कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब हरकतें? बस बस, कोई बात नहीं माय पापा। हमने कहा ना, अभी शिव भैया गुस्से में, हम बात कर लेंगे उनसे। शिव, शिव आप छोड़ो ये सब, हमें हमारे कमरे तक ले चलोगे क्या प्लीज? आओ माँ, चलो यहाँ से। 6 साल के इंतजार के बाद आज जाकर हमारे बच्चे ने हमें माँ पुकारा है। उसने हमारी जान बचाई है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो गया शिव को? हम क्या करना चाहते थे और ये क्या हो गया? मैं और भैया तो पहले भी लड़ते थे ना माई, तो फिर आप अभी क्यों साइड हो रही है? एक तरफ गोपी है जो इतना कुछ होने के बाद भी हार नहीं मान रही, और दूसरी तरफ शिव जिसने गौरी के बहकावे में आकर ये सब किया और आगे ना जाने क्या करेगा। महादेव इन दोनों भाई बहनों की जोड़ी को हमेशा बनाए रखना। ये! पापा, क्या कर रहे हो? हम आपकी माई के लिए मेहंदी पीस रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे हमने आपको रेडी होने के लिए बोला, जल्दी जाओ रेडी होके आओ, वरना शिव आपसे पहले रेडी होके आ जाएगा। अरे जाओ जल्दी भागो अब। तो दुनिया का पहला पति होगा जो अपनी मेहंदी की रस्म में खुद मेहंदी पीस रहा है। अम्मा जी, कृष्णा से हमारा रिश्ता मजबूत करने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। और आप देखिएगा, हमारे हाथ की पिसी हुई ये मेहंदी है ना, उसके हाथों पर ऐसी चढ़ेगी कि जन्मों जन्मों तक नहीं उतरेगी। अरे पर जिसे ये मेहंदी चढ़नी है वो है कहाँ? बस सुबह से घर से निकली हुई है। कृष्णा आज भी पुलिस चौकी चली गई क्या? हाँ, सुबह सुबह पुलिस की वर्दी चढ़ाई और निकल गई। अच्छा रुकिए, हम आज उसे फोन करते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही कृष्णा? ये थोड़ी वैसी गाड़ी है जैसे हमने सपने में देखी थी, उसी समय पे बंद है। क्या संकेत है? सपना 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 होता है। अरे कोई है? ये घड़ी चेंज करो। कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। सपना सपना तो सपना होता है ना। तो कैसी रही लॉकअप में पहली रात? वो तो हम यहां से निकलकर बताएंगे तुम्हें मैडम। इसी बारे में बात करने आए हैं हम तुमसे। हमारे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर तुम हमें बता दो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे प्लान में और कौन शामिल था, तो हम तुम्हारी सजा कम करवा सकते हैं। समझ लो, आधी। हमको नहीं पता, फोन पर बात हुई थी, कोई औरत थी।
हमारा गौरी को उस भीड़ में देखना। इस आदमी ने किसी मैडम जी से बात की थी, गोपिका ने भी किसी औरत के बारे में ही जिक्र किया था, और तो और गौरी के पैरों की पायल, ये सारी चीजें सिर्फ एक ही इशारा करती है कि गौरी ही इन सब के पीछे है। पता है सरस्वती, पति के हाथ की पिसी हुई मेहंदी जब लड़की के हाथ पे चढ़ती है ना, तो मेहंदी का रंग बहुत गहरा चढ़ता है और रिश्ता भी 7 जन्मों का हो जाता है। बात तो आप ही कह रही हैं अम्मा जी। अरे सब तैयारियां हो गई ना, जरा देख ले कृष्णा की मेहंदी है, कहीं कोई कमी ना रह जाए। हाँ अम्मा जी, सब तैयारियां हो गई हैं, बस मेहमानों के आने की देर है। अब हम ना जाके वो मिठाई वाले को दिखाते हैं। जब तक हम जिंदा है, कृष्णा के हाथ पर चीट के लगी मेहंदी नहीं लगेगी। ये मेहंदी हमारे पति ने हमारे लिए इतने प्यार से पीसी है, इसे इतनी आसानी से हम जमीन पे तो नहीं गिरने देंगे। जीत के नाम की मेहंदी हमारे हाथों पर लगेगी। कृष्णा, ये मेहंदी गिरी कैसे? पूछो इससे कैसे गिरी ये मेहंदी। तुम जानबूझ के ये मेहंदी गिराना चाहती थी, इसीलिए तुमने पैर मारा ताकि ये मेहंदी गिर जाए। नहीं कृष्णा, क्या बोल रही हो तुम? यही कहोगी ना कि तुम्हें तो नजर ही नहीं आता, तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता, तो फिर तुम ये मेहंदी कैसे गिराओगी और क्यों गिराओगी? कैसी बातें कर रही हो तुम कृष्णा? हमें वाकई में कुछ नजर नहीं आता। अरे हमें शायद गलती से हमारा पैर लग गया होगा और अचानक से फिर। अगर नजर नहीं आता तो तुमने ये कैसे देख लिया कि शिव को सिल्वर कलर की वैन में किडनैप किया गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उन किडनैपर्स के साथ मिली हुई हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? इतना बड़ा इल्जाम तुम हम पर कैसे लगा सकती हो? और हमने कब कहा कि कोई सिल्वर कलर की वैन थी जिसमें शिव को लेकर? कहा भूल गई? किसी हवेली में चिल्ला चिल्ला कर कहा था तुमने कि शिव को सिल्वर कलर की वैन में लेकर गए हैं। कृष्णा क्या बोले जा रही हो? अरे उस दिन शिव किडनैप हुआ था, गौरी की तुमने हाल देखा था? क्या हाल था उसका? वो अपने आपे में नहीं थी, ऐसे में उसके मुंह से निकल गया होगा। और तुम क्या बाल की खाल निकाल रही हो? हर समय गौरी पे इल्जाम लगाना बंद करो। कृष्णा बेटा जाने दे, आज तेरी मेहंदी है, बाद में बात करेंगे। हम तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचने के बहुत करीब हैं, और इस बार हम तुम्हारा कोई और तमाशा नहीं देखना चाहते। और अब कोई और तमाशा मत करना, क्योंकि तुम्हारा और कोई नाटक देखने का मन नहीं है हमारा। घर वालों की नजरों में धूल झोंक सकती हो तुम, लेकिन हमारी नजरों में नहीं। हमने तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है कृष्ण, जो करना है कर लो। अगर इस बार तुम हमारा ये राज सबके सामने नहीं खोल पाओगे, इस बार हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। अब देखिए नाटक दंगल प्ले पर टीवी से पहले।